आज का वीडियो हम एक सैड पॉइंट पर स्टार्ट कर रहे हैं. द कोरल्स आर डाइंग एंड वी ह्यूमंस, यू मी एंड वी ऑल, वी आर नॉट डूइंग इनफ टू सेव देम. जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में या फिर नीमो में, जब हम खूबसूरत कोरल्स को देखते हैं, उनके आसपास निकलती हुई फिशेस को देखते हैं, वी फील सो गुड, वी वॉन्ट टू गो स्कूबा डाइविंग, वी वॉन्ट टू सी कोरल्स, बट आर वी डूइंग इनफ टू सेव देम कि हमारी आने वाली जनरेशन भी उसी नज़ारे का व्यू, उसी नज़ारे को देख सके. आई डोंट थिंक सो, क्योंकि दिस इज़ नॉट मी सेइंग, दिस इज़ ऑस्ट्रेलियाज ग्रेट बैरियर रीफ का जो मैनेजमेंट अथॉरिटी सिस्टम है, इन्होंने बोला है कि अगेन दिस इज़ द सिक्स्थ टाइम दिस कोरल रीफ सिस्टम इज़ बीइंग हिट बाय द वाइड स्प्रेड एंड डैमेजिंग, नॉट जस्ट नॉर्मल कि आप रिकवर हो जाओगे, ये डैमेजिंग ब्लीचिंग इवेंट हुआ है और ये पिछले से 6 सालों में चौथी बार हुआ है. यूनाइटेड नेशंस के इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज ने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में बताया है कि अगर इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा, टेम्परेचर कंटिन्यूसली राइज होता रहा, इस तरह के ब्लीचिंग इवेंट्स होते रहे, तो शायद ऑस्ट्रेलिया की द ओनली लिविंग स्ट्रक्चर जो हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से देख पा रहे हैं वो खो जाएंगी. शायद हमारी आने वाली जनरेशन इसके बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ेगी या फिर सिर्फ एक्वेरियम में पढ़ेंगी. हम आगे चलें, हम देखें कि किस तरीके से कोरल ब्लीचिंग होता है, क्यों कोरल्स का कलर खो जाता है, व्हाई दे आर डाइंग एंड हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग अस. क्योंकि हम हमेशा ह्यूमन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं ना कि हमको क्या इम्पैक्ट होगा, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे. बट बिफोर दैट जस्ट टेक अ लुक कि किस तरीके से कोरल्स बिल्ड होती हैं और इनको बिल्ड होने में कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं. इनको डिस्ट्रॉय करने में शायद हमको कुछ महीने भी ना लगे, बट इनको बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं. देखो, कोरल्स को समझने के लिए ना जस्ट अंडरस्टैंड दिस कि हाउ दिस इज हैपनिंग. ये हमारा कोरल पॉलिप है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे हम ऑक्सीजन ब्रीद करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, सिमिलरली प्लांट्स भी वही करते हैं. तो इनका जो कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्सेल कर रहे हैं ना, ये जो कोरल्स हैं, देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है, इनका कार्बन डाइऑक्साइड ओशन के अंदर जो कार्बोनेट है उसके अंदर ये मिक्स होके कैल्शियम, उसके कैल्शियम के साथ मिक्स होके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है. विच मीन्स इनका एक्सेल किया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और ओशन में जो कैल्शियम प्रेजेंट है वो मिलके इनको स्ट्रेंथ देता है कि ये इस तरीके से अपना स्केलेटन, जो एकदम हमको वाइट कलर का शेप दिखाई देता है, वो दिखाई देता है. तो ये इस तरीके से धीरे धीरे अपना जो हार्ड रॉक कोरल है इसको बिल्ड करते हैं. नाउ ये धीरे धीरे सेंटीमीटर पर ईयर, फ्यू सेंटीमीटर्स पर ईयर के हिसाब से ये ग्रोथ करते हैं. इट टेक्स देम थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू बिल्ड अ कोरल कॉलोनी. कोरल कॉलोनी बहुत बड़ी होती है, बट ये इस तरीके से धीरे धीरे बिल्डअप होता है. आपको ऊपर जो ये ग्रीन कलर के शेप दिख रहे हैं ना, ये इनके टेंटिकल्स होते हैं, इनको हम पॉलिप्स बोलते हैं. ये इनको फूड अटेंड करने के लिए, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी आगे किस तरीके से ये इनको फूड अटेंड करने के लिए हेल्पफुल होती है. जो इनमें कलर्स होता है वो इसके अंदर एक छोटा सा एल्गाई रहता है उसकी वजह से मिलता है, जिसको हम एल्गी या एल्गाई जो भी बोलते हैं वो होता है. नाउ कोरल्स जो हैं वो जनरली वॉर्म, क्लीन, सेडिमेंट फ्री वाटर के अंदर हमको मिलते हैं और इस तरीके से जहाँ जहाँ पे आइडियल कंडीशंस इनकी फेवरेबल होती है वहाँ पे ये अपना स्प्रेड करते जाते हैं. बट इनके आसपास की जो कंडीशंस हैं इनसे इनको बहुत इफेक्टेड होता है. आप ऐसे समझो कि बहुत अडेप्टिव हैं कोरल्स, बहुत पुराने हैं ये. देखो जैसे ओशन करंट है, ओशन करंट के पास में आने वाला कोरल एक डिफरेंट शेप का होगा, ठीक है. इसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं कि दे आर वेरी अडेप्टिव टू दी फीचर्स विच आर अराउंड टू देम. तो ये जो कलर आपने देखा ना, ये कोरल के अंदर एक एल्गाई होता है, एक प्लांट सेल होता है जिसको हम ज़ूज़ेंथलोन्स बोलते हैं. अब ये ज़ूज़ेंथलोन बहुत ही, इनका ज़ूज़ेंथलोन और कोरल का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है. कोरल ज़ूज़ेंथलोन को रहने के लिए घर, प्रोटेक्शन देता है, इसको खाने के लिए CO2 भी देता है और ज़ूज़ेंथलोन बदले में कोरल को कलर्स देता है, कोरल्स को फूड देता है. तो ज़ूज़ेंथलोन एक बहुत ही स्पेसिफिक एल्गाई है जो बहुत ही स्पेसिफिक एनवायरनमेंट एंड टेम्परेचर के अंदर कोरल से अटैच हो जाता है. मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरीके से अटैच हो जाता है. अब देखो कोरल्स का जो नॉर्मल कलर होता है ना वो वाइट होता है, दे आर वेरी कलरलेस स्पीशीज. लेकिन ये जो ज़ूज़ेंथलोन होता है, ये ज़ूज़ेंथलोन इस कोरल के बिल्कुल यहाँ पे इसके वॉल पे आके चिपक जाता है. अब ये होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक, विच मीन्स कि ये सूर्य की किरणों को लेता हुआ यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करेगा और इस कोरल को ऑक्सीजन, शुगर, फेट, इन शॉर्ट इसको खाना देता है. कोरल बदले में इसको क्या देगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहा है, फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑल्सो अ प्लेस टू लिव देता है. तो इस तरीके से ज़ूज़ेंथलोन और कोरल का एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है.
अगर अब देखो कोरल क्या है, खुद से खाना नहीं बना पाता है. देर इज़ वन थ्योरी एंड देर आर सम वेरी ब्यूटीफुल वीडियोज ऑल्सो कि कोरल के जो पॉलिप्स अभी हमने देखे थे ना, ये पॉलिप्स रात को एक्टिवेट हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि रात को ज़ूज़ैंथलोन फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता है. तो ये पॉलिप क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ बताती हूँ. ये पॉलिप क्या करेंगे, रात को एक्टिवेट होके पानी में जहाँ पे भी ओशन के अंदर है वहाँ से इनको जो भी इन टेंटिकल्स के थ्रू अगर कोई एनिमल फंस जाता है, अगर कुछ भी स्मॉल स्पीशी भी फंस जाता है तो ये इसको खा लेते हैं. तो रात में अपना फूड ये बना लेते हैं, बट दिन में, और दैट इज़ नॉट सफिशियंट क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल स्पीशीज होते हैं. अगर कोरल को आप देखोगे तो दे आर वेरी लार्ज स्ट्रक्चर्स, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. तो इनके सर्वाइवल के लिए ज़ूज़ैंथलोन का कोरल पे होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वहीं से उनको न्यूट्रिशंस मिलते हैं. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वी आर डिस्ट्रॉइंग बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द ओशंस आर कंटिन्यूसली राइजिंग. आप पूछोगे कि हम कैसे कर रहे हैं, हमने थोड़े ना जाके उसमें नीचे आग लगाई है ओशियन में कि वो गर्म हो रहा है. जो हम ग्रीन हाउस गैसेज इमिट करते हैं, जो हम एंथ्रोपोजेनिक हीट जनरेट कर रहे हैं एटमोसफियर के अंदर, इस हीट का 90% तक का एब्जॉर्प्शन ओशियंस करते हैं. तो जब ओशियंस हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या वो गर्म नहीं होंगे. इसके साथ ही में हम जो पोल्यूशन कर रहे हैं, इसके साथ में जो क्लाइमेट का केमिकल स्ट्रक्चर है जो चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये ज़ूज़ैंथलोन जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है कोरल के साथ में, वो कोरल को छोड़ के चला जाता है. हेल्दी कोरल के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है. ये जो डार्क डॉट ग्रीन्स दिख रहे ना आपको, डॉट डॉट दिख रहा होगा, ये हमारे ज़ूज़ैंथलोन है. ये वो जो एल्गाई है जो इसको न्यूट्रिशन देती है. लेकिन ओशन टेम्परेचर राइज से, लोकल पोल्यूशन से, ये ज़ूज़ैंथलोन इससे निकल के चला जाता है, इससे एक्सपेल हो जाता है. तो आप देखोगे कि धीरे धीरे इसका नंबर कम हो रहा है. जैसे जैसे ज़ूज़ैंथलोन एल्गाई का नंबर कम होता जाएगा, कोरल का जो कलर है वो रिड्यूस होता जाएगा. धीरे धीरे जब ज़ूज़ैंथलोन पूरा का पूरा कोरल को छोड़ के चला जाता है तो वो ब्लीच कंडीशन में आ जाता है. मैंने आपको बताया था ना कि जैसे एक कपड़ा लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल आपने एक रेड कलर का या एक पर्पल कलर का कपड़ा लिया. अब आप उसे ब्लीच करते हो या फिर जब आप हेयर भी डाई करते हो तो आप उसे पहले ब्लीच करते हो. ब्लीच का मतलब क्या हुआ कि आपने उसमें से कलर को निकाल दिया है. तो सिमिलरली ब्लीच्ड कोरल का मतलब है कि उसमें से कलर निकल गया है. और कलर किसने दिया था? ज़ूज़ैंथलोन ने दिया था. कलर नहीं है, ज़ूज़ैंथलोन नहीं है जो उसको खाना देता था. धीरे धीरे ये कोरल्स स्टारवेशन की कंडीशन पे आ जाते हैं और धीरे धीरे दिस कम टू डिजीजेज एंड दे कम्प्लीटली डाई, वो पूरे के पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. इस तरह का हमको कंडीशन देखने को मिलता है. वो बिल्कुल वाइट स्केलेटन की तरह दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं. सो दिस इज़ अ पिक्चर फ्रॉम दी ग्रेट बेरियर रीफ ओनली. यू कैन सी दैट हाउ दीज कोरल्स आर डाइंग. नाउ दिस इज हेल्दी कोरल ऑन दिसंबर 14. दिस इज डाइंग कोरल. यू कैन सी दैट इसमें से अभी भी आपको कुछ कुछ हल्का कलर्स दिख रहा होगा, बट इट इज़ फेडिंग. दिस इज फेब्रुअरी 2015 एंड दिस इज अ कम्प्लीटली डेड कोरल. बिल्कुल 2015 अगस्त के अंदर ये बिल्कुल डेड हो गया है. नाउ द पॉइंट इज कि जो कोरल्स होते हैं वो हमारे रेन फॉरेस्ट की तरह होते हैं. जैसे आप अमेजोन रेन फॉरेस्ट देख लो, वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज मिलते हैं. सिमिलरली ये कोरल्स भी, अगर आपने मूवी देखी होगी नीमो, बहुत ही खूबसूरत मूवी है फाइंडिंग नीमो करके, उसमें आपने देखा होगा कि पूरी कॉलोनी वहाँ पर रहती है. इट गिव्स प्रोटेक्शन, इट गिव्स लिविंग स्पेस टू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मरीन स्पीशीज. तो ये उनके लिए एक लिविंग स्पेस, एक कम्युनिटी की तरह वर्क करता है. सो वी आर नॉट जस्ट एक्सपेलिंग द ज़ूज़ैंथलोन्स, बट वी आर एक्सपेलिंग अ लॉट ऑफ मरीन एनिमल्स हु आर लिविंग इन टू दीज कोरल कॉलोनीज. सो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस तरीके से होता है. नाउ उसके कॉजेज़ क्या हैं? इसके नेचुरल कॉजेज़ भी हैं और इसके एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ भी हैं. नेचुरल कॉजेज़ में जनरली जो अलनिनो होता है, बट सिंस विद द एंथ्रोपोजेनिक हीट एंड द ग्लोबल वार्मिंग, अलनिनो की जो फ्रीक्वेंसी है और जो इंटेंसिटी है दैट ऑल्सो हैज़ इंक्रीज्ड अलॉट. इसके अलावा पोल्यूशन, इसके अलावा जो एंथ्रोपोजेनिक इम्पैक्ट है कि ओवर एक्सप्लोइटेशन की वजह से, ओवर फिशिंग, ओवर टूरिज्म की वजह से, इंक्रीज्ड सेडिमेंटेशन की वजह से, न्यूट्रिशनल ओवरलोड की वजह से, कोरल्स को सर्वाइव करने के लिए, सस्टेन करने के लिए एक बहुत ही परफेक्ट आइडियल कंडीशंस चाहिए होती हैं. उस कंडीशंस में आप थोड़ा भी ट्विक करोगे ना, कोरल स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करती है और जैसे ही स्ट्रेस में रिस्पॉन्स करेगी, ज़ूज़ैंथलोन उससे एक्सपेल हो जाता है एंड इट गोज़ विद द ब्लीचिंग. कोरल में ब्लीचिंग जनरली जब 60-90% ज़ूज़ैंथलोन उसको छोड़ के चला जाता है तो उसमें हम बोलते हैं कि हाँ अब ब्लीचिंग स्टार्ट हो गई है. धीरे धीरे उसका फोटोसिंथेसिस पिगमेंट चला जाएगा एंड धीरे धीरे वो जो कोरल है, जो कोरल होस्ट है, इट विल इवेंचुअली डाई. क्यों? क्योंकि ज़ूज़ैंथलोन पॉपुलेशन रीपॉपुलेट नहीं हुई है, रिकवर नहीं हुई है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा था. सो दिस हैज़ ऑल्सो बीन सेड इन द IPCC रिपोर्ट कि अगर हम
एक प्रोलोंग्ड टाइम तक, एक लंबे टाइम तक टेम्परेचर इसी तरीके से इंक्रीज होता रहेगा, तो जो जैंथलोन जो एल्गी थी वो हमारी कोरल पे वापस नहीं आएगी, कोरल रिकवर नहीं होगा और इवेंचुअली कोरल कम्प्लीटली डाई हो जाएगा. नाउ कम्स टू द क्वेश्चन कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है. हमको फ़र्क इसलिए पड़ता है कि एक तो दे ऑल्सो हैव द इक्वल स्पेस टू लिव इन द वर्ल्ड. 25% तक की जो कोरल रीफ है, 14% सॉरी, पिछले 10 सालों में 2009 से 2019 तक का डेटा है मेरे पास, इसमें 14% तक की कोरल रीफ डेड हो चुकी है. नाउ इमेजिन दिस फिगर इनटू ह्यूमन पॉपुलेशन. आई नो देर इज़ नो कंपैरिजन बिकॉज वी आर वेल अडेप्टेबल, वी आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड दे आर नॉट, बट कोरल गिव सपोर्ट टू 25% ऑफ द मरीन बायोडाइवर्सिटी, फिशेज, टर्टल्स, लॉबस्टर्स एंड वॉट नॉट, एंड दे ओनली टेक अप वॉट जस्ट 1% ऑफ द सी फ्लोर. आप ऐसा समझिए कि 1% लैंड एरिया में 25% तक की जनता रहती है और बहुत खुशी से रहती है यहाँ पे. इसके अलावा जो कोरल सिस्टम है ये 2.7 trillion इकोनॉमिक वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रेड एंड टूरिज्म के अंदर भी सपोर्ट करता है. यहाँ पे बहुत सारी फिशेज होती है जो फिशिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, एंड मोर देन दैट इट ऑल्सो सपोर्ट अस फ्रॉम द सुनामी, फ्रॉम द स्टॉर्म वेव्स ऑल्सो. क्योंकि कोरल्स क्या करती हैं, मानो कि एक बड़ी वेव सीधी आपको हिट करी और एक बड़ी वेव बीच में यहाँ पे कोई एक कोई भी लिविंग स्ट्रक्चर था या कोई भी स्ट्रक्चर था उससे हिट करी, तो क्या होता है इसका एनर्जी ब्रेक हो जाता है. तो इस तरीके से कोरल्स ये स्टॉर्म वेव या सुनामी वेव का एनर्जी ब्रेक कर देते हैं और जो कोस्टल एरियाज हैं उनको ये प्रोटेक्ट करते हैं. सो दीज आर द कोरल रीफ फॉर अस. नाउ what we are doing to save them, what can we do to save them, every single step we take it matters, every single thing we do to protect the environment matter. चाहे सिंपल सी बात हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हो तो अपने व्हीकल से पोल्यूशन को निकालने से अच्छा है कि आप एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लो. देर आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच मैटर्स अलॉट, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ना कि हर एक बूंद से घड़ा भरता है. हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारे करने से क्या होगा, अरे मैं कर लूँगा बाकी लोग नहीं करेंगे. आप तो करो, बाकी लोग शायद आपके साथ चले. वेल ऑन दिस नॉट आई से थैंक यू फॉर टुडे. आई विल सी यू गाइस इन सम अनदर वीडियो. थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय.